डॉ सविता कुमारी सीनियर ऑस्टिटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट ए कॉरपस ऑफ स्पेशियलिटी हॉस्पिटल आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन टॉपिक है डिलीवरी के बाद महिलाएं आती हैं कि मैडम कब तक ब्लीडिंग होगी और कब तक हमें आ, हमें रिलैक्स रहना है कि प्रेगनेंसी नहीं हो और कब एग रिलीज हो, हो सकता है कब हम पीरियड नहीं आने के बावजूद डिलीवरी के पश्चात हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं ऐसे बहुत तमाम सवाल उनके अंदर होते हैं उनमें से कुछ के आंसर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो दोनों में क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कि नाइन मंथ में पूरा एक हजार से ग्यारह सौ ग्राम के करीब का साइज हो जाता है जो कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में सिर्फ 50 से 70 ग्राम तक होता है तो इतना बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया भी बहुत हो जाता है तो बेबी निकलने के बाद उसकी लाइनिंग होती है कुछ सेल्स जो होते हैं यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जिसको डेसीड्युआ कहते हैं जिस थैली के अंदर बेबी बंद होता है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लेसेंटा के कुछ पार्ट जो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे यूट्रस छोटा होता जाता है डिलीवरी के पश्चात ब्लीडिंग होती जाती है शुरुआत में कुछ दिनों तक ये रेड कलर का होता है ज्यादा इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ये सब टिश्यू जो अभी मैंने बताया वो टिश्यू निकलते हैं ये पीरियड के ब्लड से हटकर होता है इसमें आपको सब कुछ दिखेगा एक फ्लेक्स भी दिखेगा जो कि छोटे छोटे टिश्यू जो होते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं प्लेसेंटल टिश्यू होते हैं ये सब भी दिखेंगे ब्लड के साथ तो जब रेड कलर का होता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद दस हफ्ता दस दिन के बाद ये थोड़ा पिंकिश हो जाता है या डार्क एलोइश हो जाता है जिसको फर्स्ट वाले को लोकिया रुब्रा कहते हैं और लोकिया पे पहले मैंने चर्चा किया हुआ है, उसके बाद जो पिंकीश या है उसको लोकिया सिरोसा कहते हैं उसके बाद क्या होता है कि वाइट वाइटिश डिस्चार्ज होता है दो से तीन हफ्ते के बाद ये कुल मिलाकर चार से छह हफ्ते तक इस तरह का डिस्चार्ज होता है जिसको हम लोग लास्ट वाले का जो व्हाइट होता है उसको लोकिया अल्बा कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये मोटा मोटी इस तरह का कलर चेंज होने का पैटर्न होता है अमाउंट भी उसी हिसाब से होता है अगर किसी महिला को सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी में ये डेढ़ महीने तक होता है और सिजेरियन के बाद चूंकि यूट्रस पे एक, एक एक्स्ट्रा हमने कट लगाया है तो यूट्रस को वापस अपने पोजीशन में आने में और उसको अपने नॉर्मल पोजीशन में आने में और नॉर्मल साइज में आने में थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी वाले यूट्रस के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है तो ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो उनमें थोड़ा डिस्चार्ज ज्यादा दिनों तक हो सकता है तीन महीना कह लें लेकिन अगर आपका ये नॉर्मल डिलीवरी के बाद डेढ़ महीने के बाद और सीजेरियन के बाद एक डेढ़ महीना हम ज़्यादा ले ले ढाई तीन महीने के बाद ढाई महीने के बाद भी या तीन महीने के बाद भी अगर आपको लगातार ब्लीडिंग होती है या आपको डिस्चार्ज भी इवेंट हो रहा है उसके साथ दर्द हो रहा है ये जो लिए जो लोकिया डिस्चार्ज होता है ये उस, उसमें दर्द ऐसा नहीं होता ऑब्वियस नहीं होता है थोड़ा बहुत होता है ठीक है और कब दर्द होता है वो भी मैं बताऊंगी जिस दर्द को हम नॉर्मल सोचते हैं ठीक है ना तो ये क्या है कि जब उसके बाद भी ब्लीडिंग होती है इसका मतलब है कि यूट्रस में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है या फिर क्या होता है अवल नाल जो होता है डिलीवरी के पश्चात होता है उसके कुछ बीट्स छूट गए हैं जिसमें इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है और उसमें थोड़ा फाउल स्मेल मतलब तो गंदी सी स्मेल का डिस्चार्ज जैसा हो रहा है ठीक है ऐसे में आप आपको आपको अपने गैनकोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए वो आपका कुछ टेस्ट कराएंगे ठीक है इन्फेक्शन के लिए ब्लड का टेस्ट होता है यूरिन कल्चर भी करा सकते हैं क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन यूरिन का भी जाता है और क्या अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि यूट्रस के अंदर कुछ प्लेसेंटल बीट या रिटेन प्रोडक्ट्स तो नहीं है डिलीवरी के पश्चात जो कुछ पीस वीस छूट गए हैं वो तो नहीं है उसमें कोई तो नहीं है ठीक है और क्या होता है कि अगर कई बार महिला आती हैं उनका यह भी सवाल होता है कि हम हम में अगर दूध पिला पिला रहे हैं हैं पोस्ट डिलीवरी क्या होता है कि दूध दूध अगर पिला रही तो पिलाने के लिए दूध बनने के लिए ब्रेस्ट में एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है कि हार्मोन जो इस्टोजन होता है जिसकी वजह से एग बनते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं वो क्या हो जाता है प्रोलैक्टिन चूंकि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बॉडी आपका तैयार होता रहता है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ठीक है और इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कम हो जाता है लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना मिल्क फीड करा रही हैं बेबी को कोई मम्मी दिन रात कराती रहती है लगातार फीड कराती रहती है तो उनमें क्या होता है कि इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बहुत डाउन हो जाता है प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो उनका ओविलेशन नहीं होता है बहुत दिनों तक ओवलेशन नहीं होता है और उनका प्रेगनेंसी का चांसेस कम होता है। लेकिन फिर भी ढाई तीन महीने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कभी भी ओविलेट कर सकती हैं तो आपको तीन महीने के बाद से अगर ऐसा लग रहा है कि फीडिंग कराने की से नहीं आता है, है? क्योंकि इस्ट्रोजन, के लिए भी जरूरी है वो कम हो गया है प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से तो पीरियड नहीं आ रहे हैं लेकिन उसमें भी हो सकता है कि कभी कभी आपका फीडिंग का फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम हो गया तो प्रोलैक्टीन का अमाउंट फ्लक्चुएट करता है उस टाइम क्या होता है स्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो हाइपोथेलमस से से जो हार्मोन जो नॉर्मल में से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एग प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं और हमें पता है कि एग अगर रिलीज हुआ तो आप अगर पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती हैं तो उस एक बार के ही एग रिलीज होने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हो तो अगर दूध पिलाने की वजह से स्ट्रोजन प्रोजेस्टॉन कम हो गया और पीरियड नहीं आ रहे हैं उसमें भी अगर एग रिलीज हो गया तो आप कंसीव कर सकती हैं इसलिए तीन महीने के बाद आपको अलर्ट रहना होगा नॉर्मल डिलीवरी के बाद आ, मैं बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आप डेढ़ महीने के बाद टेन वीक्स के बाद भी वो ओविलेट कर सकती हैं ठीक है तो आप टे सिक्स वीक्स के बाद उनको कुछ कॉन्ट्रासेप्शन का या तो बैरियर मेथड हस्बैंड यूज करें कॉन्डोम वगैरह या फिर वो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स ले सकती हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सेफ है वो दूध की मात्रा को आ, क्वालिटी को कम नहीं करने जा रहा है क्वांटिटी क्वालिटी को कम नहीं करता है ठीक है तो आ, और क्या कर सकते हैं कॉपर्टी लगवा सकते हैं लोड लगवा सकते हैं ये आप वीक्स नॉर्मल डिलीवरी के बाद और थोड़ा सिजेरियन में यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने में थोड़ा वक्त लगता है तो सिजेरियन के बाद मंथ्स के बाद आप अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके अगर पीरियड नहीं भी आ रहा है आपको तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप क्लियर कर लेंगे प्रेगनेंट नहीं है आप तो आप ये फिर आ, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो अभी हमने बताया वो आप यूज कर सकते हैं तो हमने ये जान लिया कि नॉर्मल डिलीवरी में सिक्स वीक्स तक डिस्चार्ज हो सकते हैं ठीक है इस तरह के जो शुरू में रेड कलर के होंगे फिर पिंकिश और येलोइ होंगे देन व्हाइटिश होंगे और सिजेरियन में थोड़ा लंबे समय तक डिस्चार्ज होगा दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि क्या आप ब्रेस्ट फीडिंग जब करा रहे हैं पोस्ट डिलीवरी उस टाइम आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं जिसको लैक्टेशनल इमिनोरिया कहते हैं उस टाइम भी आप कंसीव कर सकते हैं यस आप कंसीव कर सकते हैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के सिक्स वीक्स के बाद और सीजेरियन के थ्री मंथ्स के बाद आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोध के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे ठीक है तो आज हमने दो क्वेश्चन का आंसर हमने क्लियर कर लिया कि डिस्चार्ज कितने दिन तक नॉर्मल होता है कितने दिन के बाद अगर ब्लीडिंग हो ही रही है तो हमें क्या सोचना है और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है डॉक्टर क्या क्या रीजन हो सकता है वो हमें बताएंगे उसके रिगार्डिंग क्या टेस्ट होंगे दूसरा ये कि डिलीवरी के पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आप आप कर सकते हैं इसलिए प्रेगनेंसी ना हो आपके आपको एबोर्शन कराने की नौबत ना आए आपके शरीर पे अननेसेसरी नए यूट वो ऑलरेडी यूट्रस इतने मंथ्स तक प्रेगनेंसी की वजह से वो स्ट्रेस में था उस पर आप और स्ट्रेस ना डालें तो कब से आप गर्भ निरोध के उपाय कर सकती हैं आज इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद